हेलो जी, नमस्ते। मैं किशोर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर का मामला, हेल्थ का मामला के ऊपर, डाइजेशन के बारे में, पेट और उससे पूरे सिस्टम से कनेक्टेड समस्याओं के बारे में। तो हमें होता क्या है कि जन सामान्य आदमी की वजह से हमें लगता है कि पेट में कुछ दर्द हो रहा है। अब उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उसका दर्द का कारण आपका डाइजेशन, खाना जो खाया है वो अच्छे से पाचन नहीं हुआ, तो वो कारण हो सकता है। दूसरा कारण कि कोई ऑर्गन का, आपका पूरा उसका जो सिस्टम का ऑर्गन है वो कुछ वहां प्रॉब्लम आया है, जैसे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, या आगे आंतड़ी में कहीं खिंचाव आ रहा है, मसल्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या हमने बहुत ज्यादा खा लिया है, इस वजह से हमें उस दर्द महसूस होता है। अब उस दर्द को होने पर हमें क्या करना चाहिए और एक्यूप्रेशर में क्या क्या समाधान है, सब बताता हूँ आपको। आप पूरा वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले तो जब भी हमें पेट दर्द होगा तो कोशिश करिए कि उल्टी हो जाए, कोशिश करिए उल्टी हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आपको टॉयलेट 2 बार या 3 बार जाना पड़े तो जाइए, उससे आपकी बॉडी में जो भी गंदगी है वो बाहर निकलेगी, क्योंकि पेट हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनता है और बॉडी के दूसरे ऑर्गन को भी वो कमजोर करता है। लगातार डाइजेशन सही नहीं रहने से, पेट खराब रहने से, गैस रहने से, कब्जी रहने से, बाल खराब होते, गिर जाते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, दांत खराब हो जाते हैं, तो उन सब से हमें बचने के लिए पेट हमें हमेशा साफ रखने की कोशिश करना चाहिए। और ये भारत में बहुत ज्यादा लोगों को अब बढ़ रहा है, क्योंकि हम गर्म देश में रहते हैं और चाय पीते रहते हैं, दूध की जो चाय है वो इस प्रकार की समस्याओं को बहुत बढ़ावा देती है। गर्म प्रदेश में रहने के बावजूद हम पानी बहुत कम पीते हैं, जागरूकता नहीं है और हम पानी नहीं पी पाते, तो हमें सबसे पहले उसका अच्छा सॉल्यूशन ये है कि भरपूर पानी पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पीते रहो। कितना पीना है, दिन में जितना है उतना ही पीना है, ज्यादा नहीं पीना, मतलब एक लिमिट भी रखना है। मन नहीं है तो भी जबरदस्ती पीना नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़े थोड़े घूंट पीते रहना बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हमारा पूरा एकदम गला पेट सही रहेगा और किडनी बराबर काम करेगी, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन चलता रहेगा, टॉक्सिन इकट्ठा नहीं होगा और पेट को सही रखने में और उसकी डाइजेशन को इम्प्रूव रखने में हेल्प करेगा। और हमें खाने में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा फाइबर लेने की कोशिश करना चाहिए, यानी अंकुरित चीजें, कच्ची चीजें, कभी चना अंकुरित करके खाइए, कभी मूंग अंकुरित करके खाइए, सलाड में भरपूर खाइए, जो सीजनल सलाड है वो भी हमें पूरा लेना, खाने के बराबर लेना होता है, लेकिन हम ले नहीं पाते और लेते क्या, हम तो कभी कई बार तो हमारे खाने में सलाड होता ही नहीं है, तो वो सही नहीं है। और जो हम कई बार कोल्ड ड्रिंक जैसा पी लेते हैं वो भी हानिकारक है, और एक्सेस अल्कोहल है, स्मोकिंग है, वो भी आपको तकलीफ ही देता है, तो हमें उससे भी दूर और बच के रहना है। और अब एक्यूप्रेशर में जब हम आएंगे तो उसका सिस्टम का पॉइंट क्या होता है, मैं उसकी बात करूंगा अभी। जैसा कि हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सोलॉजी में हाथ के अंदर पावर पॉइंट्स हैं, तो यहां पर अभी मैं आपको स्टोमक का पॉइंट बना के बता रहा हूं। ये स्टोमक है, स्टोमक चूंकि लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है, राइट साइड में भी कुछ हिस्सा होता है, तो ये स्टोमक पेट का ये पॉइंट है, आप देख लीजिए। अभी आगे बढ़ेंगे तो डाइजेशन में कौन कौन हेल्प करता है, स्प्लीन खून बनाने में हेल्प करता है, और एक जो पैनक्रियाज होती है लंबी सी स्टोमक के नीचे, जो इंसुलिन को बनाती रहती है, उस वजह से हमें डायबिटीज से बचाती है। और हमारे बॉडी में राइट साइड में बड़ा सा एक लीवर होता है, जो कि खाने में से ब्लड को बना करके हमें स्वस्थ रखने में, सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। उसके वहां पर एक गॉल ब्लैडर होता है, GB, वो भी डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है। फिर आगे निकलेंगे तो छोटी आंत आ जाती है स्टोमक के बाद में, और वो छोटी आंत ये जाते हुए फिर बड़ी आंत में, छोटी आंत जो रहती है फिर वो बड़ी आंत को कनेक्ट होती है, और बड़ी आंत में ये अपेंडिक्स के एकदम बाजू से बड़ी आंत निकल बन के दोनों हाथ में हमें पूरी अप, और फिर बाद में रिक्टम में, और जो टॉक्सिन वगैरह जो खाने के अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन पानी कम पीने से वो बहुत सारे कण यानी बड़ी आंत कॉलन के अंदर चिपक जाते हैं, मतलब जब हम क्या करते हैं खाने में मैदा जो बढ़ गया है, बेसन जो हमारे खाने में मात्रा बढ़ रही है वो हानिकारक है, और वो वहां पर चिपक जाता है, उस वजह से फिर पूरे स्टूल बाहर नहीं निकल पाता है, और समय पर हम
मतलब पेट क्लीन नहीं कर पाते, उस वजह से बाउल मूवमेंट बराबर नहीं होने से पेट में दर्द होना और बॉडी के दूसरे ऑर्गन को कमजोर करता है और इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो हमें ये हाथ के पॉइंट को स्टिमुलेट करना है हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी। अभी ये तो जस्ट मैंने आपको बना के बताया, तो इसको स्टिमुलेट कैसे करोगे? वही जिम्मी, लकड़े का या मेटल का ये जिम्मी, आपको ऐसे एक एक पॉइंट को दबाना है। आप अंगूठे से भी अंगुली से भी हाथ की बहुत अच्छी मसाज कर सकते हो, लेकिन सही दबाव जिम्मी से आएगा, इस प्रोब से आएगा, जो लकड़े का, प्लास्टिक का या मेटल का हो सकता है। और एक यंत्र है बॉल जैसा, ये देखिए कांटे वाला बॉल है, इस बॉल को ऐसे रोल करना पूरे हाथ में और ऐसे लड्डू बनाना है, दबाना है, दबाना है, छोड़ना है और ऐसे रोल करना। इस प्रकार के और बहुत सारे यंत्र आते हैं, ये बॉल के आकार में है, दूसरा करेला सब्जी की उसके शेप में आकार में आता है, दूसरे कुछ रोलर है जो थोड़े लंबे टाइप के हाथ के लिए, हमें उसका उपयोग करते रहना चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है तो भी सुबह उठिए, थोड़ा पानी पीना, थोड़ा पानी पीने का बोले तो कम से कम अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए पानी पीना है हमें, और वो पानी पी करके फिर इस टाइप के यंत्रों को करने से एकदम प्लस अच्छे से बनता है और पेट क्लीन होने में हमें हेल्प देता है ये एक्यूप्रेशर के यंत्र। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि बताता रहता हूं हर वीडियो में कि हाथ के अंदर जो रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट है उसके अलावा एक हाथ के अंदर पूरा पॉइंट है, किसमें? सुजोग पद्धति में। तो उसमें पूरे हाथ के अंदर बड़ी आंत छोटी आंत का पूरा डाइजेशन सिस्टम, चूंकि ये धड़ है तो ये हिस्से को बीच वाले ये तीन अंगुली के हिस्से में सुजोग के अकॉर्डिंग पूरा डाइजेशन का सिस्टम का पॉइंट रहता है। तो जब बॉल से और इंस्ट्रूमेंट से करेंगे तो बहुत अच्छे से प्रेस हो जाएगा, नहीं तो ये थम जैसा छोटा इंस्ट्रूमेंट है, आप ये हमेशा पास में रखिए। खाना खाने के 2 घंटे तक ये इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करने हैं और खाना खाने से आधे घंटे पहले हमें उसका उपयोग करना है। अब जो हाथ में पॉइंट बताया वैसे ही पैर के पॉइंट है, इंस्ट्रूमेंट कैसे करें? तो फुट मैट है प्लास्टिक का, उसके ऊपर नुकीली चुभने वाली, उसके ऊपर खड़े होके पैर को ऊपर नीचे करेंगे तो सारे पॉइंट स्टिमुलेट हो जाएंगे। स्पेशली उस मैट पर वो जो कर्व वाला एक पार्ट है उसमें बीच में हिस्सा पैर दे करके या साइड में दे करके उठा अलग अलग जगह पर पैर रखते हुए उसका बेनिफिट लेना चाहिए। और दूसरा पैर के लिए रोलर है, वुड पैर का रोलर, जो लकड़े का भी होता है प्लास्टिक का भी होता है, उसको आगे पीछे रोल करेंगे कुर्सी पर बैठकर। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है एक्यूप्रेशर के चप्पल, उनको पहन के चलेंगे तो भी बहुत अच्छा फायदा है। और मैग्नेटिक पद्धति में एक मैग्नेट का बेल्ट आता है पेट के ऊपर बांधेंगे तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। मैंने आपको बताया कि भरपूर पानी पीना है तो पानी पीजिए आप कॉपर का, और मैग्नेटिक ये इसके नीचे मैग्नेट लगा हुआ है तो वो पानी पियेंगे तो बहुत ही अच्छा है और मेडिसिन जैसा अंदर से हमारी बॉडी को मजबूत करने में हेल्प करेगा। और दोस्तों हमें नॉनी जैसे जूस आते हैं, ड्रॉप आते हैं, और एप्पल विनेगर जैसे भी कुछ बहुत सारी वस्तुएं हैं जो आयुर्वेदिक हमारी बॉडी के लिए फूड सप्लीमेंट के रूप में हमारे लिए हेल्पफुल है, उनका भी सेवन करते रहना है। मित्रों अगर इतना करने के बावजूद भी आपको अगर लाभ नहीं मिला है तो घबराना नहीं, आप देख रहे हैं मेरे बाजू में एक डमी मॉडल के ऊपर बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट बने हुए हैं। एक्यूप्रेशर विज्ञान इतना ही नहीं, बहुत बड़ा विज्ञान है। नजदीक के एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट से कॉन्टेक्ट करिए, बराबर पूरे सिस्टम को समझिए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए और जो उनसे घर में होमवर्क लेकर के अपना डाइट प्लान बनाइए, फॉलो कीजिए, लाभ लीजिए। और जो लोग एक्यूप्रेशर की पद्धतियां सब सीखना चाहते हैं तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करिए, और ये एक्यूप्रेशर की बहुत सारे विज्ञान अलग अलग आप बुक्स वगैरह चाहते हैं तो भी अंधेरी मुंबई में मिलेगा, ये जितना साहित्य आपको बता रहा हूँ वो भी आपको अंधेरी मुंबई में मिलेगा। बाकी आप देखते रहिए हमारा चैनल, फेसबुक और सोशल मीडिया सब जगह पे हम हैं हेल्थ का मामला। धन्यवाद।